धर्म की इस विशेष सीरीज में हम आपको देश के प्रसिद्ध मंदिरों में लेकर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे साक्षात भगवान के वहां पर दर्शन होते हैं। आज आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही मंदिर में जहां पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी माँ का ये मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र के नासिक के वणी गांव में है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाले मंदिर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फीट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित हैं। इस मंदिर की एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचा पहाड़ है। भागवत कथा में भारत के 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में हैं। सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। माता जी के दिल में बसा कर हम लोग निकलते हैं, कोई कष्ट वोष्ट नहीं रहता, एकदम अच्छा रहता है। माँ की पावर काम करती है, ये गाँव है माता जी का गाँव, ये मोक्षपुरी है। जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, वो यहाँ पे आने के बाद ही पूरी होती है। जैसे मेरी बहन की है कि उसने बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई है और वही बच्चा हम यहाँ पे लेके आए। अरे माता तो माता है, भगवान का रूप है, बहुत आनंद मिलता है, सुख शांति यहाँ पे आके। हम लोग सोचते है कि ये माँ है, माँ के पास ताकत है, तो माँ से मन्नत लेके नहीं आना चाहिए, तो माँ को मिलने को आना चाहिए। सप्तशृंगी मंदिर स्थित माँ की मूर्ति 8 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। एक साल में यहाँ देवी के 2 रूप नजर आते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का स्वरूप प्रसन्न तो अश्विन नवरात्र में गंभीर दिखता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ाते हैं। ये मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी कि 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी माँ का श्रृंगार करते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम सप्तशृंगी पड़ा। यहाँ की गुफा में 3 द्वार हैं, शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्रमा द्वार। इन 3 दरवाजों से देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। ये हमारी खानदानी देवी है। कब से अपना होश हमारे, कब से अपनी माँ का जी का दर्शन आ जाएगा? मैं नासिक से आया हूँ, मैं अभी तो 10-15 साल से आता है। गुजरात सूरत से आता हूँ, पैदल 6 हो गए, 6 हमारे बाप दादो से हो क्या। 15-20 बार तो आ चुकी हूँ बचपन से, गिनती भी नहीं कर सकती हूँ मैं इस पुस्त की। बहुत सारी ऐसी विशेषता जो हमारी फुलफिल हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ से चाइल्डहुड से आते हैं। यहाँ मेरा लड़का है 17 साल का, ये माता के देन से ही है, उसके ही कमाई से प्रसाद देने आए। बेटी की शादी के लिए भी दुआ मांगी तो वो भी हो गया। मेरा थोड़ा मकान बनाने वाला था, घर बन गया था, और दूसरा बड़ा काम था, वो काम पूरा अच्छा हो गया। जब भी आते हैं जरूर माता जी का दर्शन करता हूँ, और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सप्तशृंगी माता को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्तशृंगी का ही रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। इसके अलावा माता के इस रूप से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी, तभी देवी मां सप्तशृंगी अवतार में प्रकट हुई और इसी जगह पर उन्होंने महिषासुर से युद्ध करते हुए उसका वध किया था। स
सप्तशृंगी मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति के 18 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। देवी की इन 18 भुजाओं के बारे में कहा जाता है कि सभी देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए थे। इसमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वरुण का शंख, अग्निदेव का दाहकत्व, वायु का धनुष बाण, इंद्र का वज्र और घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें, काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल और कड़ा, विश्वकर्मा भगवान का तीक्ष्ण परशु और कवच, समुद्र का कमल हार, हिमालय का सिंह वाहन और रत्न शामिल हैं। मंदिर की सीढ़ियों के शुरू होते ही बाईं तरफ महिषासुर मंदिर नामक एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें महिष यानी कि भैंसा के पीतल से बने कटे हुए शीश की पूजा की जाती थी। ऐसी मान्यता है कि देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया और तभी से माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी पूजा जाता है। बीच में जाते हुए एक गणेश मंदिर और एक राम मंदिर के दर्शन भी होते हैं। यहाँ पर स्थित सह्याद्री पर्वतों की एक श्रृंखला के बीच एक पर्वत को गौर से देखें तो बहुत ही चकित कर देने वाली चीज दिखाई देती है। दरअसल इस पर्वत पर एक छेद दिखाई देता है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया तो उस त्रिशूल की शक्ति से उस पर्वत में छेद हो गया, जो आज भी वहाँ विद्यमान है। ज्यादा करके लोग इस टेम्पल को सप्तशृंगी माता का टेम्पल कहते हैं। इट इज एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र। ये रामायण में इसे दंडागरण ने कहा गया, राम वनवास में थे तो वो यहाँ पे रुके थे। सप्तशृंगी की ये जो अवतार है, इस अवतार का उन्होंने दर्शन लिया था। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे ये देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी देवताओं ने माँ की आराधना की, जिसके बाद देवी यहाँ सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। देवी की यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के त्रिगुण रूप में भी आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महिषासुर के वध के बाद देवी आराम करने के लिए यहाँ रहती थी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक राम सीता वनवास के दौरान देवी के दर्शन करने आए थे। सप्तशृंगी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी की गोद भराई होती है, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ नवरात्रों के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है। माता की गोद भराई के लिए भक्त नारियल, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, फूल और मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती हैं। यहाँ महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध व्यंजन पूरन पोली का प्रसाद भी बांटा जाता है। धर्म में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ठीक इसी जगह इसी समय बहुत सारे नए विषयों के साथ।